हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज अक्षय। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो आईओएस टीम डॉट एच हेडर फाइल होती है उसका यूज क्या होता है एक्चुअल में। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो आप लोगों को सेकंड लाइन में दिख रही हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये आईओ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल हम लोग लगाते हैं इसके अंदर। इसके आगे मैंने डॉट एच अप्लाई नहीं किया हुआ है क्योंकि ये मैं जो यूज कर रहा हूँ ये देव है सॉफ्टवेयर, DEV बोलते हैं इसको हम लोग। इसके अंदर डॉट एच लगाने की नीड नहीं होती, लेकिन अगर मैं यही प्रोग्राम टर्बो के अंदर कर रहा होता तो वहां पे आईओ स्ट्रीम डॉट एच मैं अप्लाई करता, लेकिन क्योंकि ये मैं डेव के अंदर कर रहा हूँ इसलिए आईओ स्ट्रीम लगा के खाली काम चल जाएगा। तो अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन है कि इसका यूज क्या होता है। अब आईओ स्ट्रीम जो है ये एक क्लास होती है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। हम लोगों को पता है कि सी प्लस प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो अब क्या है कि क्योंकि ये एक क्लास है तो इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसके ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ये एक तो सी आउट है जो आपको आप लोगों को सेवेंथ लाइन में दिख रहा है, और एक सी इन है जो कि एट्थ लाइन में दिख रहा है। सो अगर मैं इसको अप्लाई यहाँ पे नहीं करूंगा, यानी कि आईओ स्ट्रीम डॉट एच यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, यानी कि मैं क्लास को भी डिक्लेयर नहीं करूंगा, सो इसके ऑब्जेक्ट का होना ना होना जो है वो बिल्कुल ही बेकार है। सो मेन जो चीज़ है वो यही है कि क्लास के साथ ही ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर क्लास नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट्स का कोई यूज नहीं होगा। अब ये अभी देखते हैं इसका जो आउटपुट है प्रोग्राम का वो क्या होगा। ये प्रोग्राम पूरी तरह से ऑपरेट होगा क्योंकि यहाँ पे आईओ स्ट्रीम है और उसके साथ सी आउट और सी इन लगा हुआ है। यस, प्रोग्राम चल गया है। मैं यहाँ पे नंबर डाला, नंबर 3 डाला मैंने, यहाँ पे आया योर एंटर्ड नंबर इज 3, यानी कि जो मैंने नंबर इनपुट कराया था वो उसकी वैल्यू मुझे मिल गई है इस सी आउट के थ्रू जो आप लोगों को नाइन्थ लाइन में दिख रहा है, और सी इन के थ्रू मैंने उसकी वैल्यू को इनपुट करा लिया था। इसके सी इन और सी आउट का यूज आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, इसकी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। सो अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन है कि इसका यूज क्या है। अगर सपोज कीजिए कि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर से और मैं फिर प्रोग्राम को कंपाइल कराने की कोशिश करता हूँ, फिर क्या होगा। यस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर इस वक्त मेरा कर्सर है यहाँ पर लिखा हुआ है सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, सी इन वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, यानी कि आईओ स्ट्रीम अगर मैंने यहाँ पे क्लास को या हेडर फाइल को डिक्लेयर नहीं करता तो उसके बिना डिक्लेयर करे मैं यहाँ पे सी आउट और सी इन को यूज करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे जो प्रोग्राम है मेरे कंपाइलर को नहीं पता कि सी आउट और सी इन क्या है, क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं जो कि सी आउट और सी इन है। इसकी जो क्लास थी वो मैंने यहाँ से हटा दी है, यानी कि क्लास और ऑब्जेक्ट आपस में लिंक होते हैं, आप लोगों को इतना तो पता ही होगा। अगर क्लास नहीं है तो ऑब्जेक्ट का होना ना होना बेकार है। तो हम लोग कह सकते हैं कि विदाउट, अगर मैं यहाँ पर आईओ स्ट्रीम को डिक्लेयर नहीं करता, अगर मैं आईओ स्ट्रीम को यूज नहीं करता प्रोग्राम के अंदर, मैं उसके बिना यूज करे सी आउट और सी इन को अपने अपने प्रोग्राम के अंदर यूज नहीं कर सकता, यानी कि आईओ स्ट्रीम का यूज आईओ स्ट्रीम का होना बहुत जरूरी है मेरे प्रोग्राम के अंदर अगर मुझे सी आउट और सी इन को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना है तो। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारे प्रोग्राम के अंदर आईओ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल का यूज क्या होता है। और अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन एंड क्वेरीज हैं प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस ऑन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।